बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ कर लेंगे। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन्स भेजा है। ईडी ने आज ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था और ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। बड़ी अपडेट, अरविंद केजरीवाल के बाद अब ईडी का शिकंजा कैलाश गहलोत पर भी शराब घोटाला मामले में कसता हुआ नजर आ रहा है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन्स भेजा है। ईडी ने आज ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपक, आज ही कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कोई जानकारी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक कैलाश गहलोत की तरफ से उनकी मूवमेंट नहीं हुई है और ना ही अब तक नहीं ईडी की तरफ कोई जानकारी दी है कि आज वो पेश हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई बार समन्स में अचानक, क्योंकि आज सुबह ही समन भेजा गया उन्हें मौजूद रहने के लिए और पूछताछ के लिए शामिल किया गया, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति में जिस तरह से उनकी भूमिका की यहाँ पर ईडी जाँच कर रही है, तो उस पूरे मामले में देखना होगा कि कितनी देर तक वो पहुँच पाते हैं। और अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो ईडी उनके लिए पहले से ही सवालों की एक लंबी फेरिस्त रख के बैठी हुई है, क्योंकि कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि वो उस पैनल में थे जिस पैनल ने दिल्ली शराब नीति पर मुहर लगाई थी और इसकी वजह से आज उन्हें समन भेजा गया। दीपक, कोर मेंबर्स में थे, शराब नीति के मसौदे को इन्होंने तैयार किया था और इसलिए भी पूछताछ ईडी की बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अब तक जितने किरदार भी यहाँ बचा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, उनके साथ ही जितने बड़े बड़े राजनीतिक जो नेता थे उनको ईडी अपनी पूछताछ के अलावा गिरफ्तार कर चुकी है। अब ऐसे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की यहाँ पर पूछताछ काफी अहम हो जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ किस तरह के सबूत है, किस तरह के सवाल वो उनसे पूछना चाहती है, ये ईडी ने पहले तय कर रखा है। अब ऐसे में अगर ईडी दफ्तर आज पहुंचते हैं यहाँ पर गहलोत, तो काफी बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी उनके लिए भी, क्योंकि उनका सामना करना है उन्हें ईडी का, और इस तरह से अब उनका समय का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब तक वहाँ पर पहुंच पाते। लेकिन दीपक, ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक करने का आरोप भी अशोक कैलाश गहलोत पर है, माफ कीजिएगा, कैलाश गहलोत पर है, तो ऐसे में और भी ऐसे नाम है जो अब सामने आ सकते हैं पूछताछ के दौरान? देखिए, बिल्कुल, शुरुआती जांच से ही ईडी अपनी चार्जशीट में भी ये पूरा रख चुकी है कि किस तरह से साउथ ग्रुप लॉबी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था, और इस तरह से जो ईडी ने अपनी दलीलें दी है तो उस पूरे माफिक उसमें ये कहना होगा कि यहाँ पर जो भूमिका उनकी है वो कहीं ना कहीं पर इस भूमिका में गहलोत भी यहाँ पर